Hello all of you, welcome to our third lecture of business studies. तो last class में हमने जो पढ़ा फटाफट revise करते हैं और फिर आगे आज कुछ नए concepts हमें पढ़ना है, specially objective of the business या management, objective of the management हमें देखना है. तो चलिए सबसे पहले अपने last class में देखा था characteristics. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर वन है मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. तो आपको बताया गया था कि सबसे पहले एक गोल होना चाहिए, देयर शुड बी एन गोल, एक गोल होना चाहिए. अब गोल होना चाहिए इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई एम फर्म का, कंपनी का होना चाहिए. जैसे 2000 सिम बेचना है, 20,000 सब्सक्राइबर जो है वो करना है मोबाइल कंपनी के द्वारा, या फिर 30% टारगेट, या 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करना, मतलब कुछ भी ऐसा एक गोल होना चाहिए. और मैनेजमेंट क्या होगा कि उस गोल के लिए, उस गोल को ध्यान में रखते हुए सारे डिसीजन जो मैनेजर ले रहा है, सारी एक्टिविटी जो मैनेजर कर रहा है, वो सारे काम, सारी डिसीजन, वो सब क्या कहलाएगा? वो मैनेजमेंट कहलाएगा. देयरफॉर द मैनेजमेंट इज इन गोल ओरिएंटेड, गोल को पाने के लिए सब कुछ करना. अ मैनेजमेंट इज इन परवेसिव, मतलब सब जगह, बिजनेस, नॉन बिजनेस, इवन द प्रॉफिट मोटिव बिजनेस और नॉन प्रॉफिट मोटिव बिजनेस, सब जगह पर, इवन द स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, ट्रस्ट, हाउस, हर एक जगह पर मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है. मैनेजमेंट इज एन परवेसिव अप्रोच. थर्ड हमने देखा मैनेजमेंट इज एन मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि ये जो मैनेजमेंट है, ये इसके कई सारे फेज हैं, है ना, कई सारे रूप हैं. देयर इज अ मल्टी फेज्ड, मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का मैनेजमेंट यहां पर होता है. जैसे हम वर्क का करते हैं, मैनेजमेंट इज ऑफ वर्क. सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क. तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में जो भी मैनेजमेंट ने किया है, जो ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट ने, इवन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोलिंग, ये सब जो है मैनेजमेंट एंड वर्क में आते हैं. सेकंड नंबर पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल का मैनेजमेंट, काम के साथ फिर लोगों का मैनेजमेंट, तो लोगों में स्टाफिंग करना और उनको डायरेक्टिंग करना, कल देखा था डिटेल्ड में. थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. ऑपरेशन इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एज वेल एज जो है पीपल. तो वर्क और पीपल का कॉम्बिनेशन है. और इससे क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, परचेज होगा, सेल होगा. क्लियर? फिर उसके बाद मैनेजमेंट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट एक प्रकार की क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है. तो मैनेजमेंट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट के फंक्शन लगातार चलते हैं. POSDC है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये लगातार चलते रहते हैं. क्लियर? उसके बाद मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस के बाद मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी. इसके बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं. ग्रुप एक्टिविटी के बारे में बात किया था कि मैनेजमेंट एक व्यक्ति ना ही अकेला कर सकता है, ना ही अकेले व्यक्ति से मैनेजमेंट होता है. करेक्ट? एक व्यक्ति अकेला जो है वो अपने आप में मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए चाहिए ग्रुप्स. और ग्रुप्स में देयर इज एन, एक काम कोई एक कर रहा है, दूसरा बंदा कोई दूसरा, तीसरा काम, चौथा काम. तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग काम को जब करते हैं, तो हर एक काम और हर एक स्टेटस के अकॉर्डिंग, हर एक डिपार्टमेंट में जो अलग अलग होता है, तो उनका ये जो प्रॉपर स्मूथिंग वर्क है, यहाँ मैनेजमेंट की जरूरत होती है. तो एक ग्रुप एक्टिविटी है, सब लोग अपना अपना काम मिलके करते हैं और ग्रुप एक्टिविटी यहाँ पर होती. डायनामिक फंक्शन है. डायनामिक का मतलब है इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल देना. जैसा बाहर है, बिजनेस से बाहर जैसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वैसा अपने आप को बना लेना, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक फंक्शन. जैसा बाहर का एक्सटर्नल, जैसे हमारे कंज्यूमर होंगे, वैसा हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, वैसा हमें अपना मैनेजमेंट बदलना पड़ेगा. तो ये क्या है? मैनेजमेंट इज द डायनेमिक फंक्शन. डायनेमिक फंक्शन के बाद है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल. मैंने आपसे कहा कि ये दिखाई नहीं देता, इसे महसूस किया जाता. और कैसे महसूस करोगे? जब आप किसी काम को ऑर्डरली, करेक्ट, और सिमिलरली कोऑर्डिनेशन के साथ फ्लो में जब आप किसी काम को देखते हो, तो उसे हम कहते हैं कि भाई यहां पर मैनेजमेंट है, बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है. तो यहां पर क्या है? मैनेजमेंट है. इनटेंजिबल होता है, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, महसूस होता है बस.
ठीक है, तो ये अपन ने पढ़े। फिर उसके बाद केस स्टडी पढ़ी थी। तो केस स्टडी में ज्यादातर केस स्टडी आप समझिए दो पॉइंट से आती हैं, एक ग्रुप एक्टिविटी और डायनामिक फंक्शन, ये मतलब मेन है। इसके अलावा भी आती है बट वो हमको समझ में आ जाएंगी अब अगर आपको ये क्लियर है तो। जैसे पहली ग्रुप इसमें देखा था अपन ने कि भाई यहाँ पर मैनेजमेंट जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल रहा था, दैट इज चेंजिंग। तो डायनेमिक फंक्शन आया था, आइडिया मोबाइल का एम था 20,000 सब्सक्राइबर अचीव करना, और इसके साथ साथ वो परचेस डिपार्टमेंट से कुछ बोल रही थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ बोल रहा था, याद आ रहा है आपको। और अपन ने कल इसी फंक्शन में देखा था कि भाई आप लोगों ने मुझे पार्टी दी थी और इसमें दाल बाटी लड्डू, तो वही एग्जाम्पल यहां पर था। फिर पप्पू सर्कस वाला एग्जाम्पल, उसने बदला अपने आप को, डायनेमिक फंक्शन। यहां तक अपन ने कर लिए थे पप्पू सर्कस तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आगे आपने किए होंगे। अब आप अपने आंसर यहां पर टैली करिए, मिलाइए। तो भाई इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बनने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना हर मैनेजर का काम होता है। तो यहां पर भी इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ने देखिए क्या किया है, क्या कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या कर दिया, क्या कर दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की नीड के साथ साथ हमने अपने गोल ही बदल दिए, हमने अपने जो काम करने के तरीके हैं वो बदल दिए, हमने अपने ऑब्जेक्ट बदल दिए। तो एनवायरमेंट के साथ साथ अपने आप को ही बदल दिया, तो बताइए कि यहां पर क्या आना चाहिए। बोलिए क्या आना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका आंसर, दैट इज द मैनेजमेंट इज द डायनामिक फंक्शन, है ना। मैनेजमेंट इज द डायनेमिक, जब याद रखिए चीजों के साथ साथ हम अपने आप को क्या करते हैं, बदलते हैं, तो ये आता है मैनेजमेंट इज द डायनेमिक फंक्शन में, डायनेमिक फंक्शन में आती है ये डेफिनेशन, क्लियर। तो यहां पर अपन लिख देंगे मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन या प्रोसेस, एक डायनामिक फंक्शन है या फिर प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा डोमिनोज पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस की है न्यू वैरायटी ऑफ पिज्जा, नई नई वैरायटीज इंट्रोड्यूस की है ताकि कस्टमर को बुलाया जा सके। तो न्यू वैरायटीज ऑफ पिज्जा इन इट्स मेन्यू, मेन्यू में। सो विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट इज हाइलाइटेड, एक्सप्लेन एनी अदर टू कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा एक तो ये जो यहां पर बताया गया है वो बताना है, और इसके अलावा कोई दो कैरेक्टरिस्टिक्स और बताना है। हाँ जी, तो कौन सा लग रहा है, न्यू वेराइटी, नई नई वेराइटी ऑफ पिज्जा की कौन सा लग रहा है इन सातों में से, बोलिए। कंटिन्यूअस तो नहीं लग रहा, मल्टी डायमेंशनल भी नहीं है, यूनिवर्सल भी नहीं है, गोल ओरिएंटेड भी नहीं है, डायनामिक है क्या। अच्छा, ग्रुप एक्टिविटी लग रहा है क्या, नहीं सर, वो तो डायनामिक ही लग रहा है, क्योंकि नई चीजों को लेकर आना, चेंज करना, चेंज होना, कस्टमर की नीड के हिसाब से, है ना, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलना। तो यहां पर भी मैनेजमेंट जो है इज डायनामिक फंक्शन, यहां पर भी भाई मैनेजमेंट इज द डायनामिक फंक्शन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 क्या कहता है, इज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल क्लब रेस्टोरेंट होटल एक्सेट्रा, इफ यस देन विच कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। तो यहां पर कौन सा, कि भाई मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा इसमें, देखिए सातों कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं। मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट इज द परवेसिव, मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सली एप्लीकेबल, क्लियर। तो मैनेजमेंट इज द
pervasive function या approach. Clear? अच्छा, यहां पे कोई दो function और लिखना था, पिछला वाला जो question था, तो वो आप कोई भी दो function यहां लिख लेंगे, ठीक है? Question number 13 पे आते हैं. The task of management is to make people, ध्यान दीजिए, to make people toward achieving organizational goal. Peoples को इस तरह से बनाना ताकि वो organizational goal achieve कर सकें by making their strength effective, उनकी strength को effective बनाना और उनकी weakness को ध्यान ना देना, irrelevant. Their weakness is irrelevant. So identify the dimension of management. तो यहाँ कौन सा dimension आएगा? बोलिए, कौन सा dimension आने वाला है यहाँ पे? तीन dimension है, management at work, management at people and management of operation. याद आया, multi-dimensional में, multi-dimensional ये वाला function था, multi-dimensional. ठीक है, यहाँ पर वो सेम लाइन लिखी है, देखिए, ये देखिए, strength को इफेक्टिव बनाना और वीकनेस को irrelevant बनाना, ये सेम लाइन यहाँ लिखी हुई है. मतलब मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यहां पर जो डायमेंशन का यूज हुआ है वो हुआ है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, देखिए यहां लिखा भी हुआ है. ठीक है, अब भाई नाउ करीना, करीना आर्ग्यू दैट, करीना आर्ग्यू कर रही हैं, क्या आर्ग्यू कर रही हैं? तो करीना इज आर्ग्यू दैट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई मैनेजमेंट जो है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा, ऐसा करीना का कहना है. वेर एज सलमान फील दैट मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, क्लब, हॉस्पिटल. तो सलमान का कहना है कि भाई ये जो है स्कूल कॉलेज में नहीं लगता. तो बताइए कि भाई करीना सही है या फिर सलमान? करीना, करीना इज ऑलवेज राइट. तो करीना, तो यहां पर हम लिख देंगे कि भाई हु इज करेक्ट, तो लिख देंगे भाई करीना. करीना इज करेक्ट, है ना, करीना करेक्ट है, सलमान गलत बोल रहे हैं. चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. An organization is a collection of diverse individual with a different need. है ना, तो organization क्या है, एक collection है, कि भाई यहाँ पर diverse individual हैं, अलग अलग individual हैं जिनकी अलग अलग need है ना, different individual have a different need. Which character of management is highlighted in this statement? यहाँ पर क्या होगा, कौन सा आंसर आना चाहिए? सातों के सातों में से यहां कौन सा आंसर आना चाहिए? अब देखिए यहां पे कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल है ना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कलेक्शन है डाइवर्स इंडिविजुअल के हैं और हर एक की नीड अलग अलग है. देखिए क्या होता है कि ये एक्चुअली में ये सेंटेंस ये बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको चलाना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ इंडिविजुअल गोल को भी, मतलब हर एक एम्प्लॉय को भी ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक एम्प्लॉय की फिक्र करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल केयरिंग करनी पड़ेगी. मतलब यदि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब और ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, कि यदि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को, आपके पेरेंट्स की दुकान है, कोई बिजनेस है, तो उसमें कुछ बंदे, कुछ वहाँ पे कर्मचारी वगैरह हैं, जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, तो आपका बिजनेस तभी चलेगा जब आप उनका ख्याल रखोगे, उनकी केयरिंग करोगे, उनके इंडिविजुअल नीड को समझोगे. तो अब मुझे बताओ कि ऐसा कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा है जहां पर आपको इंडिविजुअल एम्प्लॉय के केयरिंग की बात की गई है, वहां पे कहीं तो पढ़ा है हमने, ये याद करने की कोशिश
करो, जरा दिमाग पे जरा जोर डालो कि कहाँ पर वो हमने पढ़ा है। तो जरा यहाँ देखते हैं हम, पहले वाले में तो नहीं पढ़ा, गोल ओरिएंटेड है, दूसरे वाले में परवेसिव नहीं है, ये भी मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल में हो सकता है। और मल्टी डायमेंशनल में पीपल का मैनेजमेंट करते समय हम देखते हैं कि टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय इंडिविजुअल नीड, तो एम्प्लॉय की इंडिविजुअल नीड का ख्याल रखना, समझ में आया, एम्प्लॉय की इंडिविजुअल नीड का ख्याल रखना, ये होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगर लोगों को आपको मैनेज करना है, काम कराना है, वो भी खुशी खुशी काम कराना है, तो उनका आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट, इसका आंसर क्या होगा भाई? तो मैनेजमेंट इज एन मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, और उसमें भी मैनेजमेंट किसका? पीपल्स का, मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स, करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं, फिर अगले कंसेप्ट पे आते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा है। देखिए केस स्टडी के आंसर अगर हमसे बन रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्लियर हो रहा है। हालांकि कुछ केस स्टडी होती है थोड़ी सी टेक्निकल, समझना पड़ता है, बट अगर हमको बन रहे हैं, आ रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई करीना इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, नहीं सॉरी ब्यूटिफुल नहीं, सक्सेसफुल। तो करीना इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ हर कंपनी, उनकी कंपनी में सक्सेसफुल मैनेजर हैं। कोबे लिमिटेड नाम है ना करीना के ऊपर से, कोबे लिमिटेड। सी यूज हर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव इन हैंडलिंग चैलेंजिंग सिचुएशन। यहां पर कुछ महसूस हो रहा है, कोई तो पॉइंट यहां पर आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो द नॉलेज गेन बाय हर ड्यूरिंग हर स्टडी, करेक्ट, जब उन्होंने पढ़ाई की होगी एट अ रिनाउंस्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ाई की है, एज वेल एज हर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ओवर द ईयर इज अप्लाइड बाय द करीना इन अ स्किलफुल मैनर। तो उन्होंने जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है IIM, इनसे पढ़ाई वगैरह की है, तो वो और उनका जो वर्क एक्सपीरियंस वगैरह भी है उनको कुछ, तो उसका यूज करते हैं इन द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। सी ऑफन रीड अ बुक, बुक भी पढ़ती रहती है, वेरी गुड, गुड हैबिट। और अदर लिटरेचर्स ऑल्सो फॉर द वेरियस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट टू कीप देयर नॉलेज अपडेट। सो एज द एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट बींग हाईलाइटेड इन द अबव डिस्क्रिप्शन। तो अब आपको बताना है कि कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर हाईलाइट हुआ है, आइडेंटिफाई दिस एस्पेक्ट्स, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसके अलावा एनी थ्री फीचर, कोई तीन फीचर भी बताना है, ठीक है, जो यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा ये लास्ट लाइन गड़बड़ है। इसमें क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ये जो करीना जो भी कर रही है वो क्या है, है ना, ये चैलेंजेस को हैंडल करती हैं और क्रिएटिव और इनिशिएटिव्स नए नए लेती हैं, तो ये क्या है, और जो आप आइडेंटिफाई करोगे उसके कोई तीन फीचर बताना है। तो बिल्कुल सिंपल मैं आपको बोलूं कि भाई ये जो है सबसे पहले तो ये क्या है, मैनेजमेंट यहाँ पर करीना कर रही है, मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन को हम हैंडल कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को वहाँ लगा रहे हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है, मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर जो मेन आंसर होगा वो मैनेजमेंट होगा, ठीक है, मेन आंसर, आंसर के लिए जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं ये आंसर, ये यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर में, यहाँ मेन आंसर जो है वो क्या है, मैनेजमेंट। यहाँ पर जो करीना जो कर रही है वो क्या है, मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट में भी एक फीचर तो मुझे यहाँ दिख रहा है, हालांकि यहाँ पे तीन फीचर बताना है,
तीन फीचर जो यहाँ पे नई भी हैं तो भी चलेगा, मतलब ये सिर्फ पूछा था कि यहाँ पर जो करीना क्या कर रही हैं वो आपको बताना था। तो यहाँ पर जो करीना जो कर रही हैं वो जो है क्या है, मैनेजमेंट है। और इसके तीन फीचर तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव वो ले रही हैं हैंडल्स जो चैलेंजेस हैं उनको करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक प्रोसेस, क्योंकि वो चैलेंजेस, क्योंकि स्थितियां बदलती हैं तो चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को हम फेस करते हैं, मैनेज करते हैं, दैट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। तो हम यहाँ पर पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, इसके अलावा कोई भी दो और भी आप लिख सकते हैं, मैनेजमेंट इज द डायनामिक प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा आप लिख दीजिए यहां, इट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस। और थर्ड नंबर पे आप लिख सकते हैं कि भाई इट इज द परवेसिव या यूनिवर्सली एप्लीकेबल, परवेसिव अप्रोच है ना। थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी आती है, पर आप मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं तो साथ साथ में लिखते जाना है ना, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्टर ऑफ यूनिक लिमिटेड कॉल्ड अ मीटिंग, यूनिक लिमिटेड ने मीटिंग बुलाई सारे एम्प्लॉयज की, एंड इन द मीटिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म दैट, डायरेक्टर ने इन्फॉर्म किया दैट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी टू इंक्रीज द सेल बाय 30%, सेल को कितने परसेंट से बढ़ाना है, 30% से बढ़ाना है, ठीक है भाई, 30% से बढ़ाना है। और वेरियस प्लान वी हैव इम्प्रूव द पोटेंशियल एंड इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय, तो यहां पर कई सारे प्लान्स हैं, वे कई सारे प्लान यहाँ बनाए हैं उन्होंने टू इम्प्रूव द पोटेंशियल एंड इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय, करेक्ट, एम्प्लॉय की इफिशियंसी को भी यहाँ पर उन्होंने बोला है कि भाई पोटेंशियल एम्प्लॉय भी अपनी इफिशियंटली काम करें ऑफ द वेरियस ऑपरेशंस। तो दे मेड द प्लान टू इम्प्रूव, यहाँ से पढ़ना टू इम्प्रूव द पोटेंशियल एंड इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज वेरियस ऑपरेशन। द सेल्स मैनेजर सजेस्ट दैट Some changes in the product as per the latest demand in the market. तो sales manager का कहना है कि कुछ हमें क्या करने पड़ेंगे, हमारे product में बदलाव करने पड़ेंगे जैसे market में, ताकि वो बिक सके, ऐसे बदलाव हमें करने पड़ेंगे। As a result, company was able to achieve its target successfully. इसलिए company ने अपना target achieve किया। और एट द एंड द ईयर स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन अबव पैरा एंड आइडेंटिफाई ऑल्सो द करेक्ट लाइन इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, बताते जाइए आप कि यहाँ कौन कौन सी आपको चीजें, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर वन हमें दिखा, मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, है ना। मैंने आपको बताया था कि ये इस टाइप के 30% इतना प्रॉफिट बढ़ाना है, ये करना है, सेल बढ़ाना है, ये सब। तो मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। अब गोल ओरिएंटेड हमें कहाँ दिख रहा है, तो भाई गोल ओरिएंटेड हमें दिख रहा है यहां पर, यहां पर कहां पर भैया, यही तो दिखा था अभी, ये द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू इंक्रीज सेल बाय 30%, ये मैं यहां नंबर वन नाम दे देता हूं, यहां से लेके यहां तक नंबर वन, क्योंकि लाइन इज ऑल्सो आइडेंटिफाई करना है कौन सी लाइन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर टू, ये तो आपको भी दिख गया होगा, और कौन सा आपको दिखा जरा बताइए। बिल्कुल सही पहचाना आपने सर, हमें ये भी दिख रहा है कि भाई जो है सम चेंजेस करना है प्रोडक्ट में एज पर द लेटेस्ट डिमांड इन द मार्केट। चलिए दूसरा नाम दे देते हैं, सेकंड, हाँ जी कौन सा है, हमने डिमांड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज किया। कौन सा है ये, डायनामिक प्रोसेस। तो यहां पर मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक प्रोसेस है ना, प्रोसेस या फंक्शन। हाँ जी नंबर थ्री, नंबर थ्री एक और दिख रहा है यहां पे, जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और जरा थोड़ी
अकल लगाओ, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहा है ये तो जरा बताओ यहां पर कि भाई हमने क्या किया है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर इम्प्रूव द पोटेंशियल एंड इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय एज वेल एज वेरियस ऑपरेशन, करेक्ट। तो एम्प्लॉयज की इफिशिएंसी को यूज किया है, एम्प्लॉय को इम्प्रूव किया है, क्योंकि मैनेजमेंट अकेले नहीं होता। मैनेजमेंट क्या है, एम्प्लॉय की मदद से हमें यह काम करना है, तो मैनेजमेंट इज द ग्रुप एक्टिविटी। तो यहां पर ग्रुप एक्टिविटी वाला भी आ रहा है। ग्रुप एक्टिविटी, करेक्ट। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर मेनली आ रहे थे जो हमने पढ़े। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है ना, यस। हाँ जी, 18 नंबर पे आते हैं, लास्ट केस स्टडीज जो रिलेटेड है इससे। डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड असाइन द टास्क, डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड है जिन्होंने टास्क असाइन किया है, ठीक है, असाइन द टास्क फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड पॉलिसी, ठीक है भाई, असाइन किया है टास्क, टास्क असाइन कर रहे हैं, काम जिम्मेदारियां दे रहे हैं, प्लान के मुताबिक, फर्म बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिपार्टमेंटल हेड अपॉइंट सुपरवाइजर सुपरिटेंडेंट एंड एग्जीक्यूटिव, सुपरिटेंडेंट को सुपरवाइजर को अपॉइंट किया जा रहा है, सो दैट दे वर्क कैन बी असाइंड टू द वर्कर, ताकि वो भी काम वर्कर को असाइन कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारियां दे रहा है कि भाई तुमको ये काम करना है, ड्यूटी असाइन की जा रही है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, वर्कर तुम ये करोगे, सुपरवाइजर तुम ये करोगे, मैनेजर तुम ये करोगे, सबको काम दिया जा रहा है एज पर द प्लान, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर टू कीप द चेक द वर्कर एज अ प्लान। सो आइडेंटिफाई द फीचर हाईलाइटेड, एक फीचर आइडेंटिफाई हो रहा है, कौन सा फीचर होगा सर, तुम भी ये काम करो, तुमको तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, तुमको वहां जाना है, हम हर एक को उनका उनका काम याद दिला रहे हैं, हर एक को काम असाइन कर रहे हैं। जब काम असाइन करते हैं तो कौन सा फीचर आता है, मैनेजमेंट इज द करेक्ट, मैनेजमेंट इज द ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी। तो एक्सपेक्टेड कि हमारा जो सेकंड टॉपिक है, देखिए हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, उसका रीजन ये है कि आपको एकदम क्लैरिटी आना चाहिए, लिखते बनना चाहिए, केस स्टडी भी बनना चाहिए। तो अभी तक हमारे दो टॉपिक मेनली हुए हैं, एक मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, इफेक्टिव इफिशियंसी क्या है, उसकी केस स्टडी, फिर मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, वो पूरे फीचर्स हमने देखे और उसकी केस स्टडी देख ली पूरी, ठीक है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है और उसके उद्देश्य क्या है, गोल क्या है। तीन प्रकार से हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया है, तीन प्रकार के उसके गोल होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट और पर्सनल ऑब्जेक्ट, ऐसे तीन ऑब्जेक्ट में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, खुद के ऑब्जेक्ट क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो भाई तीन ऑब्जेक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सबसे पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट और तीसरा है ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ऐसे तीन ऑब्जेक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इनके बारे में एक एक करके डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो भाई अब आपको यदि जानना है
कि भाई अगर याद भी रखना है तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म पर बनाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट है जीपीएस, ग्रोथ प्रॉफिट और सर्वाइवल। ऐसा उल्टा है, आप ये याद रखिए, ये उल्टा है। सबसे पहले सर्वाइवल आता है, दूसरा प्रॉफिट आता है और तीसरा ग्रोथ आता है। अब ये है क्या, एक एक जो है डिटेल्ड में समझेंगे और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। केस स्टडी में क्या दिया रहेगा तो हम बोलेंगे यहाँ सर्वाइवल आएगा, क्या दिया रहेगा तो हम बोलेंगे प्रॉफिट आएगा, क्या दिया रहेगा तो ग्रोथ आएगा, वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहला है भाई सर्वाइवल, ये देखिए यहाँ नीचे डिटेल में भी अपन ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले भाई सर्वाइवल, तो सर्वाइवल का मतलब होता है, सिंपल मतलब है कि भाई हम लॉन्ग पीरियड तक, एक लंबे समय तक मार्केट में बने रहें, ऐसा कभी कोई समय ना आए जब हमें मार्केट में अपनी दुकान पर ताला लगाना पड़े। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्वाइवल बोल रहे हैं। मतलब ऐसा कोई समय ना आए जब हमारी ये स्थिति हो जाए कि हमें मार्केट को अलविदा कहना पड़े, अलविदा दोस्तों हम जा रहे हैं, ऐसा कहना पड़े, ऐसा समय ना आए। करेक्ट। तो अब ऐसा समय ना आए मतलब क्या कि भाई हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट में जमे रहें, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस करते रहें, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट करते रहें और हम ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में डटे रहें। करेक्ट। उसको हम कहते हैं सर्वाइवल। तो एक बार पढ़ते हैं और फिर देखते हैं केस स्टडी क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, तो अंडरलाइन मतलब मैं यहाँ हाईलाइटर चला रहा था, तो यहाँ पे बेसिक पर्पस सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहला पर्पस यही है कि हम बने। प्रॉफिट तो हम बाद में कमा लेंगे, एक्सपांशन भी कर लेंगे, पहली चीज तो आपके सर्वाइवल की है कि आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रहें। करेक्ट। तो बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव, सर्वाइव करना और एग्जिस्ट करना इन द कॉम्पिटिशन मार्केट, और वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, अंडरलाइन कीजिए, इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। करेक्ट। जब हम अपनी कॉस्ट हो, क्योंकि जब तक कॉस्ट निकलती रही, भले प्रॉफिट ना हो, भले हम ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, कोई लॉस भी नहीं हो रहा, 100 रुपए कमाए और 100 ही रुपए खर्चा आ गया, न प्रॉफिट न लॉस। ठीक है, मतलब कॉस्ट को रिकवर कर दें, कॉस्ट को रिकवर करते जाए, जितना हम कॉस्ट को रिकवर करते जाएंगे उतना हम ऑर्गेनाइज और मार्केट में बने रहेंगे। जिस दिन हमारी कॉस्ट रिकवर करना बंद हो गई, हमें नुकसान होने लगा, तो थोड़ी समय में हमें ताला मारना पड़ेगा। तो इस तरह से याद रखिए कि सर्वाइवल का मतलब होता है कि भाई हम अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में, अब केस स्टडी कैसे आएगी, केस स्टडी आएगी कि भाई जो फर्म ए है वो अपनी कॉस्ट को पूरा कवर कर रही है मार्केट में, अब बताइए कि वो अपने कौन से ऑब्जेक्ट को पूरा कर रही है। फर्म ए है जो इस कंपटीशन मार्केट में बहुत लंबे समय से जमी हुई है और वो अपनी कॉस्ट को पूरी तरह से रिकवर कर रही है, तो बताइए आप कि वो कौन से ऑब्जेक्ट को पूरा कर रही है। तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, दैट इज सर्वाइवल। ध्यान यहाँ पे होना चाहिए सभी का। तो सर्वाइवल है वो क्या है, सर्वाइवल। क्लियर हुआ, समझ में आया, केस स्टडी क्लियर हुई। इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो सर्वाइवल आएगा। सेकंड में चलते हैं प्रॉफिट, अगला जो यहां पर है प्रॉफिट है। तो अब ये क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट। यानी कोई व्यक्ति बिजनेस चालू ही क्यों करता है, कोई व्यक्ति क्यों आता है बिजनेस में, प्रॉफिट कमाने के लिए वो बिजनेस में आता है। तो प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए सर्वाइवल भी करना है ना तो आपको या तो कॉस्ट पूरी होनी चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो आप इसमें सर्वाइवल कर जाते हैं। तो इट इज वन ऑफ द, देखिए वो बेसिक ऑब्जेक्ट था, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, याद रखिए, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट। सर्वाइवल बेसिक है, उसके बिना तो कुछ हो गई नहीं। और ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई एडुकेट अमाउंट का प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लंबे समय तक सर्वाइवल करना चाहते, क्योंकि भले हमको लॉस नहीं हो रहा, भाई हम लगातार नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलते रहेंगे, मगर कब तक चलते रहेंगे, कुछ हमें भी तो बचना चाहिए, हम भी तो अपना कीमती समय अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, है ना, तो हमें भी कुछ बचना चाहिए, मतलब हमारे लिए कुछ प्रॉफिट होना
चाहिए। तो याद रखिए, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एडुकेट अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी और एक्सपांशन के लिए भी। सर्वाइवल, ग्रोथ एज वेल एज एक्सपांशन के लिए, और प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ द बियरिंग द रिस्क ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो रिस्क लेता है उसकी। तो ये बेसिक ऑब्जेक्ट था सर्वाइवल, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है जो अर्निंग प्रॉफिट, और एडुकेट अर्निंग होना चाहिए ताकि हम सर्वाइवल भी कर सकें और ग्रोथ भी कर सकें, एक्सपांशन कर सकें। ठीक है, तो इसकी केस स्टडी सिंपल आई, सिंपल इसी तरह से कि भाई व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, या व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ बिजनेसमैन, तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, ग्रोथ। ग्रोथ में देखिए, ग्रोथ में इससे केस स्टडी आती है। अभी तक ये दो थोड़े लल्लू टाइप के थे, मतलब लल्लू नहीं, मतलब वो भी ऑब्जेक्ट है, मगर उससे कम क्वेश्चन आते हैं। ये जो ग्रोथ है, इससे ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को बढ़ाना, मतलब आप देख रहे हैं जैसे बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस को जो है एक्सपांड करना, एक्सटेंड करना, कि भाई जैसे आज हम फॉर एग्जांपल के लिए होशंगाबाद में हमारी एक ब्रांच कंपनी है, हेड ऑफिस है, हमने बुधनी में हमारी एक और कंपनी ओपन कर दी, बावई में कर दी, भोपाल में कर दी, इंदौर में कर दी, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सपांशन, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। तो देखिए, केस स्टडी में जब भी आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट सामने आता है जिसमें आप ग्रोथ, जिसमें आपको लगे कि एक्सपांशन हो रहा है, एक मशीन थी एक और लेके आ गए, एक फैक्ट्री थी एक और ओपन कर ली, एक ब्रांच है एक ब्रांच और ओपन कर ली, या फिर सपोज एक हेडक्वार्टर हमारा यहाँ पर था, एक और ब्रांच, एक डिपार्टमेंट और ओपन कर लिया, एक प्रोडक्ट बेच रहे थे दूसरा एक और प्रोडक्ट बेचने लगे, एक चीज़ सेल कर रहे थे एक और चीज़ सेल करने लगे, एक सर्विस दे रहे थे दूसरी सर्विस और देने लगे, मतलब कुल मिला के एक्सपांशन दिखे, एक्सटेंशन दिखे, और ज़्यादा फैलारा फैला रहे हैं, और ज़्यादा रायता फैला रहे हैं, तो इसका मतलब है ग्रोथ, हम ग्रो कर रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं। यहाँ पर कई बार रेट भी आता है कि हमारा सेल इस रेट से बढ़ रहा है ना, देखिए, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं या ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, दोनों अलग अलग हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। हमारा ग्रोथ इतने से बढ़ रहा है, सेल इतने से बढ़ रहा है, परचेज इतने से बढ़ गया हमारा, हमारे क्लाइंट इतने से बढ़ गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा है एम्प्लॉयड, मतलब कुल मिला के चीज़ों में एक्सपांशन हो रहा है, चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। तो जब चीज़ों में बढ़ोतरी होती है तो उस केस में आप समझिए कि आपका आंसर होगा ग्रोथ। क्या आंसर होगा? ग्रोथ, चीजें बढ़ रही हैं, करेक्ट। तो देखिए जरा, पहले एक बार हम यहां पे इसको पढ़ लेते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है या एक्सपांशन एक्टिविटीज हो रही हैं। सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय ग्रोथ रेट, द ग्रोथ रेट सेल का बढ़ना ग्रोथ रेट में आता है। ग्रोथ रेट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ सेल, नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सेट्रा। तो ग्रोथ रेट को काई से जानोगे कि ग्रोथ हो रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मशीन बढ़ रही है, सेल बढ़ रहा है, एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, मशीनें बढ़ रही हैं, बिल्डिंग्स बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, प्लांट बढ़ रहे हैं, एक्सपांशन, कुल मिला के एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर? तो याद रखिए, ये यहां पर आएगा। अब यहां पर कोई केस डी मैं देख रहा हूं, उससे रिलेटेड यदि कोई दी हो तो हम उसको एक बार पढ़ लें ताकि क्लियर हो जाए आपके कुछ डाउट्स यदि हो तो। तीन पढ़े फिलहाल हमने, तीन कौन कौन से हो गए, नंबर वन सर्वाइवल, नंबर टू प्रॉफिट, और नंबर थ्री ग्रोथ, ये तीन हो गए। तीनों में आप देखिए कि भाई ये जो है क्वेश्चन नंबर 21 हम पढ़े, 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 21 नंबर का क्वेश्चन है कि बिजनेस नीड टू एड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन,
ठीक है, तो बिजनेस नीड्स टू ऐड इट्स प्रॉस्पेक्ट्स, तो बिजनेस जो है जरूरत है कि उसके प्रॉस्पेक्ट्स ऐड करे लॉन्ग रन में, लंबे समय तक. तो इसमें आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट एंड अदर टू प्रॉस्पेक्ट्स इन दिस कैटेगरी. और इसके अलावा इसके दो बता, तो एक जो इस सेंटेंस से झलक रहा है और दूसरा इसके अलावा जो बचे हुए दो हैं, मतलब कुल मिला के तीन हैं. तो इसमें तीनों पूछे हैं, एक जो इस सेंटेंस में है और दो अलग. तो बताइए भाई, एक बार चाहें तो फिर से पढ़िए क्या लिखा है. बिजनेस, अ बिजनेस नीड टू ऐड, बिजनेस को जरूरत है ऐड करने की इट्स प्रॉस्पेक्ट्स. प्रॉस्पेक्ट्स ऐड करना मतलब चीजों को बढ़ाना, ठीक है, इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में यदि आप चाहते तो आपको चीजों को बढ़ाना पड़ेगा. तो दैट इज द बिजनेस नीड टू ऐड द प्रॉस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन. यदि लॉन्ग रन तक आपको बिजनेस करना है तो चीजों को आपको, प्रॉस्पेक्ट्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, क्या आएगा इसमें? सोचो सोचो. ग्रोथ, करेक्ट, क्योंकि भाई ऐड करने की बात की है, चीजों को बढ़ाने की बात की है, तो यहां पर आएगा ग्रोथ. ग्रोथ तो मेन है, इसके अलावा ये नंबर वन आंसर हो गया हमारा. नंबर टू, इसके अलावा दो और पूछे हैं, तो एक हो गया प्रॉफिट और दूसरा हो गया ये ए नंबर दे देते हैं और इसको बी सर्वाइवल. सर्वाइवल ये दो और यहां पर आ गए. ठीक है, क्लियर हुआ. तो यहां पे अभी फिलहाल मेरे ख्याल से तो नहीं दिए हैं और केस स्टडी, बट यहां पर जरूरत थी थोड़ी. ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम हमारे, तो समझ में आया जीपीएस. तो जीपीएस का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, वो वाला जीपीएस नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट. उसके बाद फिर आते हैं सोशल ऑब्जेक्ट. सोशल ऑब्जेक्ट अब ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का दूसरा ऑब्जेक्ट है, दैट इज द सोशल ऑब्जेक्ट. अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझते हैं. देखिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, सोसाइटी के प्रति भी कुछ दायित्व होते हैं, है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. तो जो भी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो यहाँ पर आती हैं. सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, यहाँ पर देखिए सोसाइटी के लिए यदि बिजनेस कुछ भी कर रहा है, सोसाइटी को यदि कुछ भी दे रहा है, सोसाइटी का यदि कोई भी फायदा कर रहा है, सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, तो वो सोशल ऑब्जेक्ट में आएंगे. जैसे मैं आपको बताऊं कि आज कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कोरोना वायरस की वजह से डोनेशन दे रहे हैं, है ना. गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने अपील की कि भाई गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, जरूरत है, आप कुछ डोनेशन दीजिए. तो बड़े बड़े टाटा अंबानी और कई सारे सेलिब्रिटीज, मैं बिजनेस की फिलहाल बात कर रहा हूँ, तो बिजनेस में कई सारे बिजनेसमैनों ने डोनेशन दिया, काफ़ी करोड़ों रुपए डोनेशन दिया. तो ये क्या है, ये उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश यदि दिक्कत में है तो उन्हें, समाज यदि दिक्कत में है, सोसाइटी यदि प्रॉब्लम में है तो उन्हें सोसाइटी की मदद करनी होगी. ये तो सोसाइटी, देखिए तो सोसाइटी के लिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम केस स्टडी के एंगल से इस ऑब्जेक्ट को देखें तो सोसाइटी के लिए अगर कोई भी काम बिजनेस कर रहा है और वो क्वेश्चन में आपको सोसाइटी के लिए कोई भी काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पर सोशल ऑब्जेक्टिव है. करेक्ट, वहां पर क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव. क्लियर, पहली चीज याद रखना, कोई भी काम जो सोसाइटी के लिए हो रहा है, कोई अनाथालय खुलवाया, कोई जो है बच्चों के लिए कोई आश्रम बनवाया है, या कोई भी ऐसा काम जिससे सोसाइटी का भला होता है, वो सब सोशल ऑब्जेक्ट में काउंट होंगे. क्लियर, अब देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है कोई बिजनेस का, सोसाइटी के प्रति पहली जिम्मेदारी है कि, पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और वो लोगों को रीजनेबल प्राइस पर मिले. करेक्ट, क्वालिटी अच्छी हो और वो रीजनेबल प्राइस पर मिले, ये पहला ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सोसाइटी, किसी भी बिजनेस का.
सेकंड नंबर सोसाइटी के प्रति, सेकंड नंबर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए पहला यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना है, दूसरा रीजनेबल, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि भाई यहाँ पर बिजनेस कई सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कई सारे जो है लोगों को काम प्रोवाइड करे, उनको उनके जीवन यापन के लिए चीज़ों को प्रोवाइड कराए ताकि उनकी जॉब लगे, वो पैसे कमाएं और उससे अपनी लाइफ को सर्वाइव कराएं। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आप नॉर्मल व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, आप वुमन एम्पावरमेंट के लिए वुमन को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आप हैंडीकैप्ड के लिए दे रहे हैं, ये सब चीज़ों को भी सोसाइटी के वेलफेयर में ही यूज़ किया जाएगा। भाई आपने कहा कि हम वुमन एम्पावरमेंट के लिए हम वुमन्स को जॉब दे रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है आपकी, सोशल ऑब्जेक्ट आप कर रहे हैं। आपने आपने बोला कि भाई तो ये केस स्टडी आती हैं ऐसी, आपने कहा कि हम हैंडीकैप्ड को, ये दो पोस्ट हमने निकाली जो हम हैंडीकैप्ड को देंगे, ये दो पोस्ट हमने निकाली जो ब्लाइंड्स को देंगे या हैंडीकैप जो भी, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो सोशल ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर इकोनॉमिक वेल्थ की हम बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में इकोनॉमिक वेल्थ प्रोवाइड करना, मैंने कहा आश्रम बनवाया है, पार्क बनवाया है, या कोई जो है योगा सेंटर आपने बनवाया सोसाइटी के लिए, गरीब बच्चों के लिए आपने स्कूल बनवाया, वेल्थ क्रिएट किए आपने सोसाइटी के लिए, रोड बनवा दी, तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इस तरह की कोई संपत्ति आपने बनाई तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक वेल्थ। इसके अलावा कई सारे एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आप चला रहे हैं, है ना, सोसाइटी के छोटे बच्चों के लिए आप स्कूल खोल रहे हैं, उनको कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई हेल्थ सेंटर है जहां आके लोग फ्री में हेल्थ में इलाज हेल्थ करा रहे हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा लास्ट है इको फ्रेंडली मेथड। इको फ्रेंडली मेथड का मतलब है कि भाई आप जो प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ होती हैं जहां पर वो एस्टैब्लिश होती हैं, देयर इज़ एन पूरा का पूरा एरिया बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से भरा हुआ होता है। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब मैन्युफैक्चरर की कि जब भी वो इस तरह से करे तो वो ऐसी मेथड का यूज़ करे जिससे एनवायरनमेंट अच्छा रहे, जिससे जो है सोसाइटी की हेल्थ को, सोसाइटी को प्रॉब्लम ना हो, दैट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो याद रखिए क्वालिटी प्रोडक्ट, अभी अपन डिटेल में और चलेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट, फिर रीजनेबल प्राइस, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फिर इकोनॉमिक वेल्थ, फिर एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग, और फिर इको फ्रेंडली मेथड। क्लियर? तो यहाँ पर अब अपने को याद रखने के लिए, जैसे ये था GPS था ना, ऐसे याद रखने के लिए कई बार अपन अपने किसी फ्रेंड को बुलाते हैं एकदम गुस्से में, या फिर चिल्ला के भी बोलते थे क्यों रे, तो बस इसका भी यही बनेगा, दैट इज क्यों रे, क्यों रे, है ना, इस तरह से। तो ये सोशल ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो एक बार पढ़ते हैं यहां पे सोशल ऑब्जेक्ट। देखिए सोशल ऑब्जेक्ट क्या है, तो पहला सोशल ऑब्जेक्ट है क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना और वो भी रीजनेबल प्राइस पर, दैट इज द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस। फिर डिजायरेबल, टूवर्ड द डिजायरेबल सिविक एक्टिविटी, सिविक एक्टिविटी मतलब सामाजिक, समाज को एनहेंस करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना। इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ाना, बताया मैंने इकोनॉमिक वेल्थ का मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह आप सोसाइटी के लिए पार्क बनवा रहे हैं, इसको तो ये सब इसमें आएगा। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, और उसके बाद सपोर्ट टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी को सपोर्ट करना, कई सारी कम्युनिटी हैं जो काम कर रही हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। अब यदि आप ये सोसाइटी को भी अगर आप पैसा देते हो तो इसमें आएगा वो, है ना, मतलब अगर आप जो सोसाइटी कोई वेलफेयर का काम कर रही है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सोसाइटी है, सपोज राम्स फॉर एग्जांपल के लिए कि भाई ABC सोसाइटी, ABC सोसाइटी का काम है, ABC सोसाइटी है एक, वो लोगों को जो है बूढ़े लोगों को हेल्प, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करती है और आप उसको पैसे दे रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो द सोशल ऑब्जेक्ट, मतलब कोई व्यक्ति काम कर रहा है और आप उसकी सहायता कर रहे हो, तो वो भी आएगा। फिर अगला है ऑर्गेनाइजेशनल
एजुकेशनल, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह आप दे रहे हो। फिर नेक्स्ट है पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटी में जो सोशल सर्विस प्रोजेक्ट के लिए एनजीओज, गवर्नमेंट और एनजीओ जो कोई कर रहे हैं, गवर्नमेंट या एनजीओ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उसमें अपना पार्टिसिपेट कर रहे हो, या आप एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड का यूज़ कर रहे हो और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन के लिए, जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब है, उनके लिए भी आप ये जो है अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं सोशल ऑब्जेक्ट में आएंगी। क्लियर, समझ में आया? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जरा इसको पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 को और देखते हैं कि ये आपको क्लियर होता है यानी कौन सा ऑब्जेक्ट की यहाँ बात की जा रही है। तो टू मीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म मैनेजमेंट ऑफ द एंगोरा लिमिटेड ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू द फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। तो यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव। तो ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव है? एक्चुअल में ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट ये वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट ये भी है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट आना चाहिए वैसे वहां वर्ड। यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कौन सा ऑब्जेक्ट? हाँ जी बताइए, कौन सा ऑब्जेक्ट ट्राई करने अचीव करने की कोशिश कर रही है? करेक्ट, दैट इज द सोशल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये वर्ड आएगा भाई सोशल, सोशल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? नेक्स्ट ये वाला पढ़िए 22 पढ़िए। मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड हैज इंस्टॉल्ड किया है स्पेशल साइकिलिंग प्लांट, है ना, साइकिलिंग वेस्ट वगैरह को ये साइकिल करता है, तो वेस्ट साइकिलिंग प्लांट है टू रिसाइकल द वेस्ट इंस्टेंट ऑफ डंपिंग द वेस्ट इनटू द ग्राउंड। जनरली क्या होता है कि जो कचरा निकलता है ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, उस कचरे को डंप कर देती हैं जमीन के अंदर, है ना, तो उसकी जगह पे ये क्या करेंगे, उसको रिसाइकल करेंगे, उस कचरे को, उस वेस्ट से कुछ नया ये बनाएंगे। सो एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द लोकल, जो लोकल रेसिडेंट है उनको हम जॉब देंगे। सो कंपनी स्टार्ट स्कूल नियर बाय फॉर द चिल्ड्रन ऑफ देयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के चिल्ड्रंस के लिए भी उन्होंने स्कूल खोला है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फुलफिल। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पे एक तो वेस्ट को डंप करना, करेक्ट, तो ये एक सोशल ऑब्जेक्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या ये एक इको फ्रेंडली मेथड का यूज कर रहे हैं? यस, ये इको फ्रेंडली मेथड का यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये सोशल ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर इन दो के लिए ये सोशल ऑब्जेक्टिव यहां पर आएगा। सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ये एक और स्कूल भी खुलवा रहे हैं, यदि आप देखें तो ये स्टार्ट स्कूल टू द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, अपने स्कूल एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल भी ओपन करा रहे हैं, मगर ये जो है थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सोशल ऑब्जेक्ट नहीं है, एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है ये थर्ड नंबर का, दैट इज द पर्सनल ऑब्जेक्ट्स में ये आएगा, ये जो पर्सनल ऑब्जेक्ट है थर्ड नंबर का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है ये और हम पढ़ेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको वो समझ में आ जाएगा, पर्सनल ऑब्जेक्ट में वो आता है। अब भाई थर्ड नंबर, सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, एकदम ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, सोशल ऑब्जेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी के प्रति कोई भी, देखिए केस स्टडी में क्या आएगा, सोसाइटी के प्रति कोई भी काम, जो ये जो लिखे हुए हैं इन कामों में कोई भी काम यदि हम सोसाइटी के प्रति कर रहे हैं तो वो आएगा, क्लियर। अब उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्ट, पर्सनल ऑब्जेक्ट में भाई ध्यान रखिए कि एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर जो भी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जो भी काम करा रहा है, जो भी कुछ एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहा है, वो सब जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहा है, वो सब
पर्सनल ऑब्जेक्ट में आएगा, करेक्ट, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, एम्प्लॉय को अच्छा रेमुनरेशन देना, एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देना, एम्प्लॉय के लिए अस्पताल खुलवाना। देखिए, समाज के लिए अस्पताल खुलवाया तो सोशल ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय के लिए खुलवाया तो पर्सनल ऑब्जेक्ट, समाज के लिए स्कूल खुलवाया तो सोशल, एम्प्लॉय के बच्चों के लिए खुलवाया तो पर्सनल ऑब्जेक्ट। मतलब कि भाई यदि वो काम समाज के लिए, समाज के निर्धन कमजोर लोगों के लिए किया जा रहा है तो वो सोशल ऑब्जेक्ट है, और यदि वही काम अपने एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हैं तो वो कौन सा, पर्सनल ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय के कल्याण के लिए, एम्प्लॉय की बेहतरी के लिए, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉय के एनहेंसमेंट के लिए जो भी काम एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए करेगा वो सब पर्सनल ऑब्जेक्ट में आएगा। केस स्टडी आई, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, पर्सनल ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए घर बनवाए, पर्सनल ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को योगा ट्रेनिंग दी, पर्सनल ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो है फॉर एग्जांपल के लिए जिम बनवा के दे दी एक्सरसाइज करने के लिए, तो पर्सनल ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज को फ्री होटल्स प्रोवाइड की कि भाई वो हफ्ते में एक बार जाएं, खाना वगैरह खाएं, पार्टी करें, पर्सनल ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी काम एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए, कोई भी केस स्टडी आ जाए, आपको ऐसा दिखे कि एम्प्लॉयर कुछ एम्प्लॉय को सर्व कर रहा है, एम्प्लॉयर कुछ एम्प्लॉय को दे रहा है, तो उस केस में पर्सनल ऑब्जेक्ट होगा, उस केस में आएगा पर्सनल ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो देखिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है भाई, सबसे पहले एडुक्वेट सैलरी देना, फिर उसके बाद गुड वर्किंग कंडीशन देना, पीर रिकग्निशन का मतलब जानते हैं आप, एम्प्लॉय को रिकग्निशन देना, रिस्पेक्ट देना, एक हमने रिकग्निशन दिया उसको, एक ओहदा हमने दिया कि भाई आज से तुम इसके प्रोडक्शन मैनेजर हो और इतने लोग तुम्हारे अंडर में होंगे, तो आपने उसको एक कैबिन दिया अलग से, उसकी एक चेयर है, उसका उसके कुछ अधिकार हैं, तो दैट इज द रिकग्निशन देना है ना। मतलब रिकग्निशन देना मतलब किसी को पहचान देना, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, मैं आपको दूं कि घर में कोई मैटर डिसाइड, इम्पॉर्टेंट मैटर कोई डिसाइड हो रहा है ना, बहुत ही जो है कुछ सिंसियर मैटर है, इम्पॉर्टेंट मैटर है, तो पापा आपके पास आए और आपको पूरा मैटर डिस्कस किया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, अब आप बताओ बेटा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा आपसे पूछा। तो आपसे जैसे ही ये पूछा, एकदम आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, अपनी भी कोई बखत है यहाँ, है ना, अपने को भी पूछ रहे हैं, अपनी भी एडवाइस ली जा रही है, हमको भी रिकग्निशन मिल रहा है ना, रिकग्निशन। तो रिकग्निशन का मतलब होता है कि किसी को जो है कुछ स्टेटस देना या उसको कुछ पूछना, उसको थोड़ा बढ़ाना, तो ये सब काम में आता है, रिकग्निशन में आता है। जैसे कई बार क्या होता है, स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ तो प्रिंसिपल जो है लेक्चर दे रहे हैं, और लेक्चर देते समय उन्होंने किसी टीचर का नाम लिया, उसको बुलाया स्टेज पे, इन्हें बहुत बढ़िया किया ऐसा वैसा, तो देखना आप टीचर गौरवान्वित हो, खुश हो जाएगा कि नहीं मैं, मेरा नाम लिया सबके बीच में, तो ये क्या है, रिकग्नाइज किया उनको, रिकग्निशन दिया है। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड रिकग्निशन। ये आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं, स्टाफिंग बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम। तो पीर रिकग्निशन, फिर उसके बाद ट्रेनिंग देना उसको, उसको डेवलप करना, उसको कुछ सिखाना, ये सब। और सोसाइटी में रिकग्निशन देना, सोसाइटी के बीच में उसको कुछ ओहदा उसको देना, तो ये सोशल रिकग्निशन। देखिए एक बार पढ़ते हैं यहाँ। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव सैलरी, कॉम्पिटिटिव मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटर्स अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं वो हम भी अपने एम्प्लॉयज को देंगे, कॉम्पिटिटर्स। फिर उसके बाद उसके पर्सनल ग्रोथ की चिंता करना, जैसे प्रमोशन, ट्रेनिंग वगैरह, इनको देखना। फिर पीर रिकग्निशन सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर द कलेजियस, उसके आजू बाजू जो काम कर रहे हैं, उसके जो मित्रगण हैं उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फिर सोशल रिकग्निशन, मैंने आपको बताया सोसाइटी में, जैसे आप किसी को कोई ओहदा एक दे दोगे तो वो सोशल रिकग्निशन में आएगा। फिर उसके बाद
गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन देना, सो वर्कर मे लूज इंटरेस्ट इफ देयर ऑब्जेक्ट आर नेग्लेक्टेड। तो यदि आप इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करोगे तो धीरे धीरे करके जो वर्कर हैं वो कटते चले जाएंगे, आपकी कंपनी को छोड़ते चले जाएंगे। सो मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। तो मैनेजमेंट का ये ड्यूटी है कि वो इन ऑब्जेक्ट को भी ध्यान में रखे। क्लियर, समझ में आया? तो यहां पर ये याद रखिए कि कोई भी ऐसा काम जो कि आप अपने एम्प्लॉय के लिए करेंगे वो सबका सब काय में आने वाला है, वो सबका सब आएगा पर्सनल ऑब्जेक्ट में। क्लियर। अब देखिए केस स्टडी हम यहां पढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 20 ही क्या है, तो भाई द ऑर्गेनाइजेशन अरेंज हार्टफुलनेस मेडिटेशन। हार्टफुलनेस मेडिटेशन कभी मैं आपको बताऊंगा इस हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में, दैट इज इन वेरी, मैं काफ़ी साल से इसे कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब देर इज़ एन लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये, एक मेरी लाइफ का मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन आपने देखा भी होगा कई जगह, अगर आप क्लासेस में आए तो क्लासेस में भी कई बार हमने पहले के बैचेस में कराया है वैसे तो। ठीक है, अभी अपन यदि आप आगे इसके बारे में कुछ और अगर जानना चाहेंगे या बोलेंगे तो इसके बारे में और मैं यहाँ बताऊंगा भी, और साथ में प्रैक्टिकल सेशन भी हम इसके करा सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कॉल मी फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन में यदि आप इंटरेस्टेड होते हैं, कंसंट्रेशन इससे बढ़ता है, और बीच बीच में मैं कई सारे फायदे इसको बताऊंगा मैं। तो याद रखिए कि भाई यहाँ पर हार्टफुलनेस मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया है, हार्टफुलनेस मेडिटेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए, ताकि एम्प्लॉय का जो माइंड है वो कंसंट्रेट हो, वर्क काम की इफिशियंसी बढ़े, वो एक्सपर्ट बने। एक्चुअली मेडिटेशन का यही फायदा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं धीरे धीरे करके आप उसमें परफेक्ट होते जाते हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आप प्रेजेंट में रहते हैं, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, 4 घंटे आपने पढ़े, पर क्या वाकई में आपने 4 घंटे स्टडी की? नहीं, 4 घंटे बुक के सामने बैठे हो मगर 1.5 घंटे पढ़ाई की, बाकी के 2.5 घंटे कहाँ रहे भैया आप? तो ये आप अभी प्रेजेंट में नहीं हो, इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पाती। तो ये बहुत बड़ा एक फायदा है मेडिटेशन का कि जो हम करते हैं हम पूरी तरह से वही रहते हैं, हम वर्तमान में जीते हैं, वी आर लिव इन प्रेजेंट। तो हम जहाँ रहेंगे वहाँ अपना पूरा फोकस लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो काम बहुत बेहतर होगा। तो ये आप जरूर ट्राई करें एक बार, हार्टफुलनेस मेडिटेशन आप करेंगे बहुत फायदा होगा। तो इस केस स्टडी को आगे बढ़ाता हूँ मैं। तो द मैनेजमेंट द ऑर्गेनाइजेशन अरेंज हार्टफुलनेस मेडिटेशन फॉर इट्स एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर कंसंट्रेशन लेवल के लिए। सो स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्राइंग टू अचीव। कौन सा ऑब्जेक्ट है जी? पर्सनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अपने एम्प्लॉय के इम्प्रूवमेंट के लिए ये किया जा रहा है। तो दैट इज यहां पर लिख लेंगे पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर यहां पर एक और ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने कहा कि भाई एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया है ये 22 नंबर में, तो यहां सेकंड नंबर आएगा पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर हुआ? तो समझ में आया? एनी पॉइंट, एनी डाउट? अगर कोई भी पॉइंट है, डाउट है तो प्लीज पूछना है, कमेंट करके पूछना है, मोबाइल पे कैसे भी आप पूछ सकते हैं। तो याद रखिए आज 3 ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बात किया, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट सोसाइटी के कल्याण के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन कल्याण के लिए खुद के लिए है, ये सोसाइटी के लिए है, और ये उसके एम्प्लॉयज के लिए अगले वाले पर्सनल ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मम्मी, आपने देखा होगा पापा का नाम नहीं लेती है ना, अब लेती होंगी, पुराने जमाने में हम देखते हैं, पुराने जमाने में क्या बोलते थे, मम्मी बोलती थी एजी सुनती हो, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया एजी, अब आपकी पीटीएम है ना, तो भाई एजी पीटीएम में चलना है, तो पीटी अब एम की जगह सिर्फ एस करना है आपको,
तो पीटीएस है ना। पीटीएस क्यों? तो भाई पेरेंट टीचर मीटिंग होगी है ना, मीटिंग तो होगी, फिर उसके बाद आपकी सोटाई होगी, एस फॉर सोटाई, करेक्ट। तो एजी पीटीएम फिर सोटाई, याद रखने के लिए बस। तो यहां पर जीपीएस, यहां पर क्यों रे, और वहां पर एजी पीटीएस, क्लियर। तो ये हमने देखा मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार सिर्फ नाम से अपन उसको रिवाइज करते हैं। तो हमने सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, ट्रेडिशनल और फिर मॉडर्न, उसके बाद फिर याद है इफेक्टिव और इफिशियंसी, फिर उसके बाद सात फीचर पढ़े, गोल ओरिएंटेड हो, परवेसिव हो, मल्टी डायमेंशन हो, कंटिन्यूस प्रोसेस हो, ग्रुप एक्टिविटीज हो, या डायनेमिक फंक्शन है, या इंटेंजिबल है, करेक्ट, ये सात। और उसके बाद फिर केस स्टडी काफी सारी की, और उसके ऑब्जेक्टिव सोशल और नेशनल सोशल एंड पर्सनल। चलिए इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखना है, ओके, बी सेफ, बाय।